हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएँ, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे उसका सुपरफास्ट रिविजन देखेंगे, और साथ साथ में कल के क्वेश्चन का टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्विज से रिलेटेड। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वह जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी के लिए मेनली सुपर टेट के लिए क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस का शेड्यूल टाइम टेबल यहाँ पे आप लोग देखिए, 3 क्लासेस हैं। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दूसरी है दोपहर के 3 बजे, और तीसरी शाम को यानी कि रात 8 बजे है। तो आप सभी तीनों क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस सरकार ने शुरू की मातृ स्मृति योजना? किस सरकार के द्वारा मातृ स्मृति योजना शुरू की गई? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मातृ स्मृति योजना शुरू की गई। देखिए, ये योजना है क्या, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले हैं जो एकदम से बंजर पड़े हुए हैं। मेनली ये कुछ जिले की अगर हम बात करें तो ये बस 6 जिलों के लिए, ये योजना जो लगाई जा रही है वो 6 जिलों के लिए लगाई जा रही है, जिसमें लगभग 50,000 के करीब 50,000 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। जो बंजर भूमि है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती और ना ही कोई किसान पट्टे पर खेती करता है। तो इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यानी कि यहाँ पर बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय वृद्धि की जाए, यही ये योजना है। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग कम से कम 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा, और ये मेनली 6 जिलों में लगाई जा रही है जिसमें 50,000 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। तो उस बंजर भूमि पर बागवानी और मछली पालन करने के लिए स्थानीय लोगों को उससे जोड़ा जाए और उनकी आय में वृद्धि हो, यही ये योजना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। चलिए मैप के द्वारा इसे देखते हैं। जब भी हमें करंट में कोई स्टेट आ रहा है तो उसे हम डिटेल में देखते चलते हैं। साथ साथ में जैसा कि मैंने कहा था, करंट के साथ आपका जीएस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम कवर करवाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से। बात आ जाती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल, तो इसे हम मैप में देखेंगे। ये भारत का इधर का देखिए पूर्वी एरिया है। आपको मैप क्लियर दिख जाए इसलिए मैंने यहाँ पर मैप कट करके दिखाया है, जूम करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ से इस तरीके से जाते जाते ये देखिए यहाँ तक ये पूरा पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है पश्चिम बंगाल, इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ पर हम ये देखेंगे वेस्ट बंगाल किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है और किन किन देशों के साथ, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर कितने टच करते हैं इससे और इंडियन स्टेट्स कितने टच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्टेट की बात करेंगे, कितने राज्य इसके साथ सीमा बना रहे हैं। तो पहला राज्य यहाँ पे देखिए ओडिशा, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। दूसरी है झारखंड, स्टेट आप जोड़ते चलिएगा, दूसरी है झारखंड, तीसरी है बिहार, झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की राजधानी पटना, साथ साथ में राजधानी भी आप जानते चलेंगे। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा सिक्किम, इतना पोर्शन ये देखिए सिक्किम है, ये टच कर रहा है ये पश्चिम बंगाल से, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एक स्टेट यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा, ये रहा असम, ये वाला भाग यहाँ पे देखिए ये टच कर रहा है। तो ये 5 स्टेट हैं जिनसे ये सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा यहाँ पर भूटान, ये भूटान है, ये है नेपाल, ये इधर ये पूरा पोर्शन ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये है बांग्लादेश, ठीक। तो कितने इंटरनेशनल बॉर्डर हुए, नेपाल,
भूटान और बांग्लादेश, तीन देशों की सीमाएं पश्चिम बंगाल को टच करती हैं। कह रहे हैं अब यहाँ पर और आगे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बताते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल जगदीप धनकर। क्या नाम है? जगदीप धनकर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। आप सभी जान रहे हैं लोकसभा में सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जानते हैं। ये देखिए यहाँ का लोक नृत्य काठी फेमस है। नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी, मयूराक्षी ये नदियाँ हैं। मयूराक्षी पूछा जाता है। जनजातियों में भूमिज है, संथाल, लेपचा, संतल, मुनस और भुटिया। यहाँ का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा है और मेला आपके एग्जाम में पूछा जाता है गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल का है। भोजन में मच्छी चावल इसका मुख्य भोजन है और मिठाई रसगुल्ला, रसगुल्ला। साथ ही और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, पश्चिम बंगाल ये वेस्ट बंगाल भारतीय राज्य में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। किस नंबर का? 13वें नंबर का। और पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा, रार क्षेत्र और तटीय सुंदरबन शामिल हैं। और राज्य की यानी कि वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदाकफू। क्या नाम है? संदाकफू, ठीक है, संदाकफू। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया नदियों में दामोदर, तो दामोदर गंगा की सहायक नदी है जिसे हम सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का शोक, सारो ऑफ बंगाल। यहां पे देखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी, इंडिया की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जैसे इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली, लेकिन मुंबई को देश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, उसी तरीके से कोलकाता को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल की मुख्य नदी जो है वो है गंगा। गंगा वेस्ट बंगाल की मुख्य नदी है जो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, कौन सी धारा होती है? पद्मा। गंगा से ही दो धाराएं बढ़ती हैं, पद्मा नदी जो है किसमें? यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दूसरी वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी और हुगली नदी के रूप में बढ़ जाती है दोनों धाराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क जान लेते हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क है जो आपके एग्जाम में है तो बहुत, जो आपके एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं? बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। ये सभी वेस्ट बंगाल जितने मैंने बताए आपको तीनों, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलना कुछ भी नहीं है। चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल में किस स्टेशन पर? आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेल रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम रखा गया रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू किया जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी हुगली नदी के नीचे से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर ये भी जानते चलिए, कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो सेवा भी शुरू हुई। मेट्रो सेवा भी यही कोलकाता में शुरू हुई और अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी यहीं पर शुरू होगी। क्वेश्चन है आलमी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, 16 मई को। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। 1960 में फिजिक्स के साइंटिस्ट और इंजीनियर थे थियोडोर मेनन, उनके द्वारा लेजर के पहले
सक्सेसफुल संचालन की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सी COVID-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है कोबास 6800 COBAS 6800। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने कोबास 6800 नामक COVID-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की। ये ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार के द्वारा COVID-19 मामलों की टेस्टिंग के लिए खरीदा गया है और जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। और ये मशीन 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। और यहाँ पर बात आ जाती है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की, तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई? 1909 में। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के डायरेक्टर कौन है? यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार। कौन है? सुजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक संपन्न हुई? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है 32वीं बैठक। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक किसके माध्यम से आयोजित हुई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे कि लगभग बैठकें आयोजित हो रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। और इस बैठक की एक थीम थी, बैठक की थीम है डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ COVID-19 रिस्पॉन्स, एक समन्वित राष्ट्रमंडल COVID-19 प्रतिक्रिया का उद्धार। ये है इसकी हिंदी और इंग्लिश है इस बैठक की जो थीम है, क्या है चलिए लिख देते हैं, डिलीवरिंग लिख लीजिएगा, डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ यहाँ पे WEALTH COVID-19 रिस्पॉन्स, ये थीम है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइस एडमिरल JM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड है, तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल JM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। 2013 में इस ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी JM हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी। दूसरे स्थान पर कमांडर इन चीफ द्वारा कमीशन किए गए नौ सेनाधिकारी अंशु भाऊ को दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान के लिए नौ सेनाधिकारी कुलदीप त्यागी को बुक प्राइज प्रदान किए गए। तो ये दूसरा और तीसरा स्थान। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? सामाजिक सुरक्षा पैकेज की बात हो रही है, तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ए विश्व बैंक। विश्व बैंक भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज मेनली भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, ऐसे कार्यक्रम जो गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने शुरू किया है जो इस महामारी से प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पे जानते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन
डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंच की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है चावल निर्यात संवर्धन मंच। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, चावल निर्यात होगा। विकल्प में देखिए कहीं आयात भी है, तो चावल निर्यात संवर्धन मंच। भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। इस मंच की स्थापना, चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना किसके अंडर में की गई है? यहां देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा के अंतर्गत, एपिडा के तत्वावधान में इसकी स्थापना की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन, हाल ही में किस पुलिस द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नाम का एक नया उपकरण लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो कोरोना योद्धा है उनको सुरक्षित रखा जाए। इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा सा उपकरण है, पुलिस कर्मियों को कम से कम 10 से लेकर के 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का ये पता लगाने में सक्षम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करेगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से सम्मानित हाल ही में किस बंगाली लेखक का निधन हो गया जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, देवेश रॉय को। उन्हें उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उपन्यास क्या है? तीस्ता, यहाँ पे लिख देते हैं तीस्ता, ये बंगाली लेखक थे, तीस्ता परेर ब्रिटेंटो, तीस्ता परेर ब्रिटेंटो, इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तीस्ता परेर ब्रिटेंटो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्तमान FIH प्रेसिडेंट कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ा करके मई 2021 कर दिया गया? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ये, नरेंद्र बत्रा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉसेन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दें इसके कितने मेंबर्स हैं, 137 पूरे विश्व से मेंबर हैं इसमें। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। और इसके CEO कौन है, थ्योरी वेल। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहां पर हो जाते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं एक बार सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर, सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग यहां पर करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने शुरू की मातृ स्मृति योजना?
ऑप्शन सही हो जाता बी पश्चिम बंगाल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट कब मनाया गया? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे सी 16 मई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सी COVID-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक संपन्न हुई? हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक संपन्न हुई? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 32वीं बैठक। नेक्स्ट है, हाल ही में वॉइस एडमिरल जीएस हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंच की स्थापना की? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे चावल निर्यात संवर्धन मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस पुलिस द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है सी दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से सम्मानित हाल ही में किस बंगाली लेखक का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी देवेश रॉय का। क्वेश्चन है, वर्तमान FIH प्रेसिडेंट कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाकर मई 2021 कर दिया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे नरेंद्र बत्रा। तो यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, आपको टेस्ट देना है कल आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन तैयार किया है या नहीं। कल का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 15 मई। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन बी स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने जलावतरण किया किसका? ऑप्शन डी। हाल ही में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे एक मिनट सी 16 मई। हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? बी। किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन सी। हाल ही में संयुक्त राज्य द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर कितनी होगी? ऑप्शन ए। रॉबर्टो एजेवेदो ने इस्तीफा दिया। हाल ही में रॉबर्टो एजेवेदो ने इस्तीफा दिया, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो विकल्प आपका सही हो जाता बी WTO। कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी गोल, सही जवाब है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी की, हाल ही में किस सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोगों जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। और यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोगों को कैसे लगे हमेशा की तरह फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और कम से कम अपने 10 दोस्तों में, एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और आप लोग चैनल पे एनर्जी के साथ जुड़ जाइए एकदम से, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लोगों ने अभी से नहीं ठाना तो फिर इसके लिए कभी उपयुक्त समय नहीं आएगा कि आपको अलग से तैयारी का बहुत ही बढ़िया मौका मिल जाए। तो जुड़े रहिए वनडे एग्जाम टारगेट के साथ, आपकी सफलता की 100% गारंटी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाइम शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, तो 3 बजे हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।